कल मेरे वरिष्ठ सहयोगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने एक प्रेस वार्ता की और अमित शाह जी के नए कारनामे आपको बताए। उसके उत्तर में टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने कुछ चेष्टा की, प्रयास किया अमित शाह जी को बचाने का, विफल प्रयास किया। एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी, ये एक नई परंपरा इस सरकार ने, इस पार्टी ने डाल दी है इस देश में। अरे आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, आप जवाब दो। ऐसा उन्होंने प्रयास किया, अगर वो शायद प्रयास न करते तो अमित शाह जी को ज्यादा लाभ हो जाता। उन्होंने उनको बचाने में उनका ज्यादा नुकसान करा दिया। नाबार्ड को मजबूर किया गया कि एक जवाब दें, एक स्टेटमेंट इशू करें। नाबार्ड मजबूरी में एक वक्तव्य देता है, क्योंकि इस सरकार में संस्थाओं की तो स्थिति ऐसी है कि सबको डरा के रखा गया है। उसमें मीडिया भी शामिल है, कई बार मीडिया से स्टोरीज हटवा दी जाती हैं। कभी कभी हमारे साथी पुनिया जी हमें कहते हैं कि यूपीए 2 में भी यही करते तो शायद आज आप सरकार में होते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और ना ही करेंगे। मीडिया की स्वतंत्रता हमेशा रहनी चाहिए। नाबार्ड की स्वतंत्रता पर कल एक हमला हुआ। नाबार्ड अपना ही आरटीआई का उत्तर भूल गया। नाबार्ड की आरटीआई थी, आरटीआई का उत्तर नाबार्ड ने दिया था, जिसके बेसिस पे कल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने आपको वक्तव्य दिया। नाबार्ड अपने आरटीआई के उत्तर को दरकिनार करते हुए पीयूष गोयल जी, टेम्प्रेरी फाइनेंस मिनिस्टर इस देश के, उनके दबाव में आकर एक वक्तव्य देता है। अपनी आरटीआई फाइंडिंग्स में नाबार्ड ने बताया कि 3,118.51 करोड़ के पुरानी करेंसी के नोट 5 दिन में 11 गुजरात के जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए जो 11 बैंक्स हैं, उसमें जमा हुए। उसी आरटीआई से यह भी ज्ञात हुआ था कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश हैं या उनके अलाइज के घटक दलों के शासित प्रदेश हैं, उसमें 64.18% यानी कि 22,270.8 करोड़ डिपॉजिट हुए 5 दिन में, 64%। इट्स अ ह्यूज नंबर इन 5 डेज। तो जो बार बार हमारे कुछ वरिष्ठ नेता कहते थे कि नोटबंदी एक घोटाला है, आप कब तक उसको ढकाओ, नहीं, सच बाहर निकल कर आएगा। आप कितना ही दबा दीजिए, आप कुछ भी कोशिश कर दीजिए, सच की एक ऐसी आदत होती है कि वो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है। और अब धीरे धीरे हर चीज का सत्य सामने आ रहा है, रास्ता बनता चला जा रहा है। अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी आपको बचा नहीं पाएंगे, वो अपने आप को नहीं बचा पाते, आपको क्या बचाएंगे, अपने उत्तर दे नहीं पा रहे। जब उन पर आरोप लगता है तो कोई और मंत्री आकर उनके लिए उत्तर देता। और जो ब्लॉक मिनिस्टर हैं, अरुण जेटली जी, हम तो उनसे भी पूछते हैं, अरे आप बता दीजिए कि अमित शाह जी के बैंकों में घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब तो आप मंत्री थे, अब आप ब्लॉक इंचार्ज हैं। पीयूष गोयल जी कुर्सी खाली नहीं करना चाह रहे, अरुण जेटली जी बड़े तड़प रहे हैं कि कब वो कुर्सी वापस मिले, इसमें पिस कौन रहा है। देश की अर्थव्यवस्था शवासन पर है और प्रधानमंत्री जी योगासन कर रहे हैं। ये हालत आपने वित्त हमारे अर्थव्यवस्था की बना दी है, क्योंकि पूरे वक्त आप एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के घोटालों को ढांपने में लगे रहते हैं। यू डू नॉट हैव टाइम टू लुक आफ्टर द इकोनॉमी, द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दिस नेशन। यू आर बिजी प्रोटेक्टिंग ईच अदर, यू आर बिजी कवरिंग द स्कैम्स ऑफ ईच अदर।
whether it's Rafael, whether it's Nirav Modi, whether it's Malia, whether it is the new bank scam involving Shri Amit Shah, whether it's Piyush Goyalji's scam, everybody is trying to protect each other. हमने जो प्रश्न पूछे थे, मोदी सरकार अगर उसमें इंक्वायरी कर देती तो उन्हीं का लाभ होता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप हर बार प्रश्नों से बचेंगे तो 2019 के चुनाव में ये सारे प्रश्न आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तब न समय होगा आपके पास इनका उत्तर देने का, न जनता का मन होगा आपके कोई उत्तर सुनने का, क्योंकि सब तब तक असलियत जान चुके हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट का एक पूरा विभाग चलता है, सरकार में भी, पार्टी में भी और संघ में भी। गवर्नेंस करिए, आपको हेडलाइंस मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, डराने की मीडिया को आवश्यकता नहीं रहेगी, खरीद फरोख्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपके पास कुछ बताने को है तो बताइए, और अगर कुछ छिपाने को है तो वो हम बताएंगे, क्योंकि छिपाने को आपके पास बहुत कुछ है। जनता लाइनों में लगी रही और एक रिकॉर्ड तोड़ जमा हुए नोट पुराने। मोदी जी, इस घोटाले की जांच करिए। यू ओ इट टू दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु स्टूड इन द क्यूज एंड हंड्रेड्स ऑफ देम हु लॉस्ट देयर लाइफ स्टैंडिंग इन द क्यूज फॉर देयर ओन हार्ड अर्न मनी। अपने द्वारा अर्जित पैसे को वापस लेने के लिए या बदलवाने के लिए जनता लाइनों में खड़ी रही, सैकड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग लाइन में लगा दिया आपने पूरे देश की। अब एक बड़ा बैंक घोटाला और, 2000 करोड़ का महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में एक घोटाला हुआ। विजय माल्या कोई भूला नहीं, ललित मोदी कोई भूला नहीं, छोटा मोदी कोई भूला नहीं, मेहुल चौकसी कोई भूला नहीं, जतिन मेहता कोई भूला नहीं, अमित भटनागर कोई भूला नहीं। तब तक एक और आ जाता है, एक डायरेक्टरी बन रही है ए से लेकर जेड तक इनके घोटालों की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक कंसोर्शियम को पुणे के श्री डीएस कुलकर्णी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डीएसके ग्रुप के, वो और उनका बेटा शिरीष कुलकर्णी, दोनों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की थी, ये शायद कम लोगों को मालूम होगा। राजनाथ सिंह जी ने ज्वाइन करवाई थी, इसकी फोटोग्राफ्स भी और ट्वीट्स भी आपको अभी मिल जाएंगे। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट कुछ लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपोज किया, ये कागज बाहर निकाले कि डीएसके ग्रुप ने कैसे बैंकों से और अन्य वित्तीय संस्थाओं से पिछले कुछ सालों में पैसे लिए, उनको लौटाए नहीं। 8000 होम बायर्स, जो घर खरीदने वाले लोग ग्राहक थे और इन्वेस्टर्स थे, फिक्स डिपॉजिट्स जिन्होंने रखे थे, उन सीनियर सिटीजन्स थे, 60 साल के ऊपर की आयु के थे, 65 साल के ऊपर की आयु के थे, उनको कैसे धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। 1498.15 करोड़, ऑलमोस्ट 1500, 1500 करोड़ के लगभग आउटस्टैंडिंग लोन्स इनके, 27 लोन्स अलग अलग बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक, आदित्य बिरला फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, सिंडिकेट बैंक इत्यादि। अनसिक्योर्ड लोन्स भी दिए, सिक्योर्ड लोन्स भी दिए। 2500 करोड़ के टोटल ये लोन हो जाते हैं, आपको एनेक्सर दो में ये मिलेगा, और इनकी टोटल लायबिलिटी जो देनदारी बनती है बाजार में डीएसके ग्रुप की, 1000 करोड़ प्लस 1100 करोड़ प्लस 140 करोड़ प्लस 100 करोड़, 5400 करोड़ की इनकी घपला हुआ है, ये 5400 करोड़ का ही घपला है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, राजनाथ सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन कराई थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है इनको,
आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, आपको चित्रों के माध्यम से दिख जाएगा। बार बार ऐसा क्यों होता है कि जितने इनके सहयोगी हैं, इनके साथी हैं, वो देश की वित्तीय व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती? और कार्रवाई तब होती है जब हम और आप यहां बैठकर संघर्ष करते हैं, या कोई आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई विसल ब्लोअर निकल कर आता है, मजबूरी में कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं इनका पैसा आप कब लौटाएंगे, कैसे लौटाएंगे, कोई उत्तर नहीं मिलता। और जब हम अमित शाह जी के दरवाजे पे दस्तक देते हैं कि साहब ये तो अब आपके दरवाजे पे, आपका बेटा ने तो शायद कम कमाया होगा, 50,000 से 80 करोड़ तक कमाया बस, आपने तो एक 5 दिन में 725 करोड़ 800 करोड़ क्या कर रहे हैं आप, और फिर जवाब भी नहीं देते, चुप चुप खड़े हैं, जरूर कोई बात है। डीएसके ग्रुप पर आए तो किरीट सोमैया जी ने चिट्ठी लिखी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और देश के उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को, कई प्रश्न उठाए, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके अपने हैं किरीट सोमैया जी, बाद में पता चला कि आरएसएस से भी इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं डीएस कुलकर्णी जी, कंपनी के फेसबुक पेज पे जाइए आपको वो भी दिख जाएगा, एनेक्सर 4 पे मैं वो भी आपको दे रहा हूं। इतना समय लगता है आपको, आम एक विसल ब्लोअर, आम एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो सूचना 15 दिन में लाके निकाल के दे देता है, शिकायतें आपके पास पहले से आ चुकी होती हैं, 2015 में इनके खिलाफ शिकायतें भी हुई थी, किरीट सोमैया जी ने भी की थी और लोगों ने भी की थी, तब भी आप एक्शन नहीं लेते, आप इंतजार करते हो कि अगर बाहर आ गई बात तो एक्शन लेंगे, अगर बात दब गई तो दबने दो, और आपके संबंध इनसे चलते रहते हैं। नीरव मोदी का आप हम सबको मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं पासपोर्ट हो गया रिवोक, खत्म हो गया पासपोर्ट, पता चला उन पासपोर्ट पे, हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे वो पूरे देश का भ्रमण, विश्व का भ्रमण कर रहे हैं। ये 12वां बैंक घोटाला हम आपके सामने रख रहे हैं, दिस इज द 12th बैंक लूट स्कैम वी आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू। ये सारा इसी साल की बात कर रहे हैं, अगले साल 2019 चुनाव से पहले और भी कई कुछ निकलेगा। अब तक के जितने 12 घोटाले हम आपके सामने लाए हैं उसकी कीमत है 63,036 करोड़। कई देशों की ये पूरी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, ये बजट है कुछ देशों का, जितना कुछ देशों का बजट है वो हमारे बैंक घोटाले जो इस एक साल में 12 निकाल कर आए हैं वो है। मोदी जी आप ये पैसे वापस कैसे लाएंगे, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कैसे करेंगे? आईसीआईसीआई के बैंक का जब हम नाम लेते हैं तो आप कंधे यूं करके बोलते हैं हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे, आप क्यों नहीं बीच में पड़ेंगे? आरबीआई नॉर्म्स होते हैं, हर बैंक पर लागू होते हैं, वो हर वित्तीय संस्था पर लागू होते हैं। हमें तो इस बात का उत्तर चाहिए, नाबार्ड ने आरटीआई की अपनी रिपोर्ट कल क्यों दबाई, क्या मजबूरी थी, किसने आप पर दबाव डाला, क्या ये वही ताकतें हैं जो मीडिया पर भी दबाव डालती हैं और स्टोरी हटवा देती हैं ऑनलाइन से? छिपाने को क्या है जो ये स्टोरीज हटाई जा रही हैं? छिपाने को क्या है कि अपना ही आरटीआई का जवाब नाबार्ड दबा देता है? आप प्रश्न पूछिए पहले इसी पर और फिर कुछ और मुद्दों पर। कुलकर्णी साहब का 5400 का टोटल है, 5400 करोड़, वो उनकी पत्नी उनका परिवार सब मिला के जो इन्होंने जो देनदारी बनती है, जो इन्होंने लोन्स लिए हैं और उसके बाद नहीं जमा कराए, वो टोटल ये उसका बनता है सब। वो अलग अलग लोन्स मैंने बताया, सिक्योर्ड लोन्स अलग, अनसिक्योर्ड लोन्स अलग, इन्वेस्टर्स से अलग, फिक्स डिपॉजिट्स अलग, वो आपको सारा ब्रेकअप प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। फाइनली जब विसल ब्लोअर्स थोड़ा मीडिया का प्रेशर बना तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग दिल्ली ने अब जाकर गिरफ्तार किया। 2015 में जब इनके खिलाफ शिकायत हुई उसके बाद भी इनको अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिले, सिक्योर्ड लोन्स भी मिले, बैंकों द्वारा लोन मिले। जी यही तो हम बार बार कह रहे हैं कि जांच की जाए।
सिर्फ एक लाइन कह देना कि KYC नो योर क्लाइंट या कस्टमर की जो नॉर्म्स हैं RBI के वो बिल्कुल फॉलो किए गए हैं, हम कैसे मान लें? आप बताइए आपकी ने क्या इंक्वायरी की, वो रिपोर्ट पब्लिक कीजिए। अगर नाबार्ड ने कोई ऑडिट किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर किया होता तो निकाल के बाहर लाते, सिर्फ एक वक्तव्य एक A4 की पेज पे तो आप नहीं दे सकते। इतने बड़े घोटाले पर इतने कागज़ हैं जिसमें, उसका आप जवाब एक पेज में दे देते हैं, अपनी ही RTI को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। आपने अगर ऑडिट किया है इन तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स का तो उस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए, हमारी ये मांग है। यही हम बार बार पूछ रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं सार्वजनिक करिए। 725 करोड़ 5 दिन में, आप कैलकुलेट करिए पर सेकंड कितने लोग बैंक में बैठे होंगे, नोट गिने होंगे। RBI तो आज तक गिन नहीं पाया। इसमें नकली नोट कितने होंगे किसने देखा? वो हैं तो हमारे आपके पैसे, जनता के पैसे हैं। आपने एक सेकंड में कितने नोट गिने? आप कैलकुलेट कर लिए 725 करोड़ 745 करोड़ 745 करोड़ 5 दिन में। मान लीजिए कि बैंक खुला रहा 12 घंटे खुला रहा, कितने कर्मचारी होंगे, कितने नोट एक कर्मचारी ने एक सेकंड में गिने होंगे? ये तो बिहार वाले टॉयलेट्स हैं जो स्वच्छ भारत वाले, जो एक सेकंड में कितने 7 टॉयलेट बना लिए। ये क्या घोटाले हैं? हम यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार। हमने आज फिर मांग की है आपके माध्यम से कि अगर नाबार्ड ने कोई ऑडिट किया है इन कोऑपरेटिव बैंक्स का तो वो ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और पीयूष गोयल जी फिर आए मैदान में, हो सकता है कल तक वित्त मंत्री रहें वो, तो कल तक हम उनको समय देते हैं, वापस एक ट्वीट कर दें, उस ट्वीट में शायद कुछ और स्पष्टता आए। ये ट्वीट करके भाग जाना तो नहीं बनेगा, ये चल नहीं सकता। अल्फाबेटिकली तो आशीष जी आप दलितों को का जब आंदोलन होता है उसको क्रश किया जाता है, दबाया जाता है, उसके बाद अचानक खबरें आती हैं कि वो नक्सलियों से मिले हुए हैं, वो जिहादियों से मिले हुए हैं, वो राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं, मोदी जी की हत्या करना चाहते हैं। एक पैटर्न दिख रहा है। आपको याद होगा UPA 2 ने सबसे ज्यादा आंदोलन
थोड़े दिन और उनको दीजिए, वो अगर अपना स्वयं अपने मन में स्पष्ट हो जाएं वो क्या चाहते हैं, कल कुछ और कहा था आज कुछ और कहा है, हो सकता है कल कुछ और हो, तो हमें लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए, वो अपना मन फाइनल कर लें फिर बात करेंगे इस बात। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सब उद्वेलित हो जाते हैं और चिंतित हैं। पिछले 4 साल से तो हमारी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 71% जहां मतदान होता था, ऐसे स्थिति में हम लोगों ने इस कश्मीर को जब हम सरकार में थे लाए थे, बड़ी मेहनत से लाए थे, आज 7% पे ले आए। आज अनंतनाग में कोई सांसद नहीं है क्योंकि वहाँ चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा है, तो चिंतित हम सब हैं। ऐसे में अपनी निजी राय को निजी रखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। जी देखते हैं, थोड़ा तो सस्पेंस रहना चाहिए जिंदगी में, बिना सस्पेंस की क्या जिंदगी होती है, वेट करिए इंतजार करिए। नो, वी थिंक इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक अप अ लॉट ऑफ मैटर्स। वी आर ऑल्सो वेरी एजिटेटेड, कंसर्न्ड एंड वरिड। हाउ डिड द यूएन रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स see the light of the day? Where is the muscular, non-muscular, 56 inches, 26 inches, whatever he wants to choose, where is that foreign policy of ours? The Prime Minister keeps going to address diaspora across the world, talks big, comes back, and then this is what we get. The biggest question mark on our foreign policy in the last 70 years has been this: how was United Nations allowed in the first place to come up with a damning report, a shameless report, a report which the Congress rejected right at the word go, much before the MEA issued that silly little small feeble tweet. Much before that, I think Congress criticized that report in far more sharper and stronger words than the government of the day did. How was that report allowed? Heads should roll. Who was responsible to manage to engage with all those stakeholders responsible for this report? It's not as simple as that the person who drafted the report, who wrote the report, is XYZ, belongs to this country, that country. We are not interested in that. What we are interested in is, how did that report come out? With a man who has a full majority, with a man who claims that his foreign policy has been the best in the world, with a man who spent every 11th day abroad in the last 4 years, with a man who keeps going on formal and informal visits, never happened before, prime ministers of the country going and saying that we went for an informal visit. If you do all this, well, this is what you get. आप सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हैं मैम, हम तो कह रहे हैं कि एक मुल्क बता दीजिए। सेशेल्स आपको आंखें दिखा रहा है, मालदीव्स आपको आंखें दिखा रहा है, रशिया पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है, चाइना पाकिस्तान की फौज को ट्रेनिंग दे रहा है राजस्थान के बॉर्डर के बंकर्स पर, और आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, चारों तरफ नेपाल चाइना के करीब इतना आ गया। चाइना डोकलाम में आकर हेलीपैड बना देता है और आप चुप बैठे हैं, झूले झूल रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं। ये फेलियर तो बड़ा छोटा शब्द है, ये एक क्रिमिनल फेलियर है। आई कॉल दिस अ क्रिमिनल फेलियर। अमेरिका 24 घंटे में UNHCR की रिपोर्ट आई, अमेरिका वॉकड आउट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आपने क्या उत्तर दिया यूनाइटेड नेशंस की इस डैमिंग रिपोर्ट का? हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे जहां थोड़ी मसल दिखानी चाहिए वहां आप दुबक के बैठ जाते हैं। कहां आप बातें करते थे एक सर के बदले 10 सर? कहां आप ऊंची ऊंची बातें करते थे, हंसी उड़ाते थे मनमोहन सिंह जी की? मनमोहन सिंह जी तो 10 साल में पाकिस्तान नहीं गए, केक नहीं खाया, शॉल नहीं ले गए, साड़ी नहीं दी। आपने किया है ये सब।
और आपके जाने के 6 दिन के अंदर अंदर पठानकोट पर हमला होता है, आप ISI को उसके बाद बुला लेते हैं निरीक्षण करने, अमित शाह ISI का पीठ थपथपाते हुए दिखते हैं, ISI की टिप्पणी आती है कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको ISI से, हमें तो शर्म आ रही है, देश का सर शर्म से झुक रहा है, और आप कहते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत है। एक तो नतीजा दिखाइए आपकी फॉरेन पॉलिसी का, शो अस वन रिजल्ट ऑफ अ मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, शो अस वन नेबर हु स्टैंड्स विद यू, एवरी नेबर हैज गॉन क्लोज टू चाइना। जी हम इंतजार कर रहे हैं स्टेटस का, वहां से जब क्लियरेंस आएगा तो आपको बताएंगे। हमने वो उनसे पूछा है, इंतज़ार कर रहे हैं, आने दीजिए आपको बताएंगे, पूरी प्रक्रिया जो है उसको उसका अनुसरण किया है, आप देखते हैं, इंतज़ार करें। हमारे पूरे देश में जितने स्टेट यूनिट्स हैं वो अपनी राय देते हैं, हमारे यहाँ एक पूरे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का की पालना होती है, और फिर उस राय को हर स्तर पे स्टडी किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग स्टेक होल्डर से सलाह ली जाती है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। तो अभी ये पहला चरण है, उसके बाद देखते हैं क्या सलाह मिलती है, क्या राय मशविरा बनता है, क्या विश्लेषण होता है। पूछिए, आप सब पूछिए। देखिए, पॉलिसी पहले आ जाने दीजिए जनाजे पे, जो इनका ये सोचना है। हम बार बार ये बोलते आए हैं कि कश्मीर पूछते आए हैं, सवाल पूछते आए हैं कि कश्मीर पे आपकी नीति क्या है। ये तो फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, आग लग गई तो बुझाएं कैसे, ये एक बात है, आग न लगे वो रास्ते कैसे निकालें वो दूसरी बात है। सर्वदलीय बैठक हम बार बार बोलते आए पिछले 4 साल में 3.5 साल में, आपने कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय बैठक कितनी बार बुलाई प्रधानमंत्री जी, एक बार भी हमें तो न्योता नहीं आया, किसी और को बुला लिया हो सकता है, कांग्रेस मुक्त कर दिया हो आपने दिमाग में अपने आप को, किसी को आप बुलाते नहीं, किसी से आप सलाह नहीं लेते, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय बैठक कब बुलाई आप? नीति लाइए, उस पर चर्चा कीजिए, कश्मीर ऐसा मुद्दा है जिसपे सब दल आपके साथ हो जाएंगे अगर आप एक स्पष्ट नीति लाएंगे तो, अगर आपकी स्पष्ट विदेश नीति होगी हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप नीति तो लाइए, नीति लाएंगे नहीं उसके बाद उसका खामियाजा देश भुगतेगा, और आप सोचेंगे हम चुप रहे, और हम बोलें तो आप कहेंगे नक्सली जिहादी दलित सब मिल गए हैं मोदी जी के खिलाफ हो गए। अरे साहब, लोकतंत्र है, इसमें खिलाफ भी होंगे, पक्ष में भी होंगे, प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उत्तर दीजिए, झेलना सीखे विपक्ष को ही, गुजरात में आपने विपक्ष को दबा के रखा होगा, अब आप सफल नहीं हो सकते ना विपक्ष को दबाने, कोई ना कोई तो पूछेगा ना आपसे, हम तो रोज पूछेंगे, पूछते आए हैं, उत्तर देने की हिम्मत लाइए, डरिए मत, राहुल जी ने बड़ी अच्छी सलाह दी थी, अब ये सलाह हम मोदी जी को देते हैं, डरो मत, उत्तर दो। क्या था प्रश्न? This is a very dangerous development. And another example of how rapidly Kashmir has declined under the watch of Mr. Modi. When they formed the government in alliance with the PDP, we were told that it's a very good balance of
the valley and the Jammu region. We realized and the country realized, instead of a balance, both sides were aiding and feeding into each other's radicalization, into the, each other's radical elements. The radical elements on both sides were getting strengthened. And now suddenly they withdraw support. The experiment of alliance with the PDP, BJP should come out clean and acknowledge that it was a failed experiment right from the first day. When Burhan Wani gets killed, the chief minister says, had she known that Burhan Wani was there, he would not have been killed. The deputy CM says the same. Some elements of BJP contradict that. Yeah, please. If you remember, 8 or 9 days ago, I had held a press conference here on Sunday, last Sunday, demanding clarity from the government on the measures the government is taking for the safety and security of Amarnath Yatris. The country does not have faith in this government and its ability to provide safety to the pilgrims. And it is a very, very worrying sign if it is true that IS is trying to get roots in Kashmir. Kashmir, to a lot of people, was an issue of identity. To some, it was a territorial dispute. It was never a communal issue the way it is turning out to be now. And we demand to know from the government, who are the elements responsible? What are the reasons behind pushing Kashmir to an abyss the way it has been pushed? Because when they come out with people responsible for this, the name of BJP and PDP will also be taken. Lucknow pa kya tha? जो देश में माहौल बन रहा है और हमें मालूम है वो क्यों बनाया जा रहा है, जिसमें हर विवाद को एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, ऐसे मुद्दे कई बार पासपोर्ट विभाग में या अलग अलग जगह पर आए होंगे, पहली बार तो आए नहीं होंगे। क्या पहले इस तरह के विवाद होते हुए आपने देखे या सुने? ऐसा क्यों है कि हर ऐसा सांप्रदायिक विवाद पिछले 4 सालों में ही दिखाई दे रहा है? इसका कारण मैं आपको बता दूं, जो सरकार कठिन प्रश्नों से बचने की चेष्टा करती है, किसानों के प्रश्न, बेरोजगारों के प्रश्न, महिला सुरक्षा के प्रश्न, दलितों के प्रश्न, छोटे व्यापारी के प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न, विदेश नीति के प्रश्न, सीमा सुरक्षा के प्रश्न, जो सरकार इन तमाम प्रश्नों से बचना चाहती है, वो एक अपना एजेंडा फ्लोट करना चाहती है, वो एक अपना एजेंडा लाना चाहती है मीडिया में। ये उसी के तहत एक और कड़ी है, हर एक को सांप्रदायिक मुद्दा बना दो, हर बात को सांप्रदायिकरण करो, कोशिश करो पोलराइज हो जाए। कश्मीर में भी वही एक्सपेरिमेंट हुआ, कश्मीर बिकेम अ लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द पोलराइजिंग एक्सपेरिमेंट। दैट इज अ डेंजरस गेम दे प्लेड इन कश्मीर। हर जगह वो खतरनाक खेल जो सांप्रदायिकता का खेल रहे हैं। कैराना में अच्छा जवाब मिला। ये देश मूर्ख नहीं है, ये देश जानता है कि जब पेट कभी झूठ नहीं बोलता, जेब कभी झूठ नहीं बोलती। जब पेट और जेब पर बात आ जाती है तो आप कितना ही सांप्रदायिकता फैलाइए, कितना ही जाति का जहर फैलाइए, नहीं चलेगा। जी देखिए, अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो आप उन्हें बता दीजिए कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, इस वजह से ये किया जा रहा है। आपको अपशब्द बोलने की, सांप्रदायिक बात करने की क्या आवश्यकता? विवाद तो तब हुआ जब बात बदतमीजी से की गई, गलत शब्दों का प्रयोग हुआ। आप करिए, आप कोई नियम का उल्लंघन होता है तो बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए, रद्द करना है रद्द करना करिए, जो करना है करिए।
लेकिन उसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, आप उनको इस तरह की टिप्पणी मत करिए कि तुम ये बन जाओ, तुम कन्वर्ट कर लो, इस तरह की बातें मत करिए, बस यही तो बात है। सॉरी पहले तो ये वीएचपी को मोदी जी से प्रश्न पूछना चाहिए कि आपकी विदेश नीति कैसी है कि आपके रहते सीआईए ने हमें आतंकवादी करार कर दिया, अभी तक क्यों नहीं पूछा हमें। प्रवीण तोगड़िया जी के वक्त भी दुश्मनी थी, अब क्या दुश्मनी है मोदी जी? वीएचपी को चाहिए कि मोदी जी से प्रश्न पूछें पहले, हमारी बात बाद में करें, पहले तो ये जाने कि जो प्रश्न हम पूछते हैं विदेश नीति पे, आगे बढ़ के तो विश्व हिंदू परिषद को पूछना चाहिए, बजरंग दल को पूछना चाहिए, पता नहीं आरएसएस कैसे बच गई मोदी जी की निगाहों से। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी आई विल कम बैक टू यू। तीन हो गए, चार हो गए, अब तो बोलने मैं भूल जाऊंगा। अगर विपक्ष कमजोर होता तब तो 44 थी, अब शायद 48 से ऊपर हो गई हैं। तब हमने भूमि अधिग्रहण पे क्या किया था आपको तो याद होगा। अगर विपक्ष कमजोर होता तो एक सूट बूट के उलाने पे, राहुल गांधी ने एक उलाना दिया था सूट बूट की सरकार, सरकार ऐसी बिदकी उस उलाने पर कि मोदी जी ने अपना पैरहन बदल दिया। विपक्ष कमजोर नहीं है, कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं मीडिया कमजोर है, मैं नहीं मानता कि इस देश का मीडिया भी कमजोर है, न मीडिया कमजोर है, न विपक्ष कमजोर है, न इस देश का संविधान कमजोर है, न इस देश के सुप्रीम कोर्ट कमजोर है। चार जजेस बाहर आए, अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त की, इस देश की सारी संस्थाओं पर आपको भरोसा रहना चाहिए, उसमें विपक्ष भी शामिल है। आइए हापुड़ पर अगर बात करते हैं, आपने कहा क्या सरकार बढ़ावा दे रही है, हम भी यही पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। दादरी से शुरू करिए, अलवर पे जाइए, गुजरात में हुआ, झारखंड में हुआ, यहाँ हो रहा है, यूपी में बार बार, राजस्थान में दो बार हुआ, ये बार बार इस तरह के प्रकरण क्यों आ रहे हैं? आप मुजफ्फरनगर याद करिए, वो भी एक लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट था। तब बड़ा आसान था ये कहना अमित शाह जी के लिए कि नहीं देखिए राज्य में सरकार है मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी की, सपा की, केंद्र में सरकार है मनमोहन सिंह जी की, दंगे हुए हैं, देखिए क्या हो रहा। अब आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, आपकी सरकार केंद्र में भी है, अब आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं अमित शाह जी, हम आपसे पूछते हैं। अगर अब भी ये हो रहा है तो हम पूछना चाहते हैं कौन करवा रहा है, ये किसको सूट करता है, ये किसके किसके लाभ में है, हम भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। रवि सिसोदिया जिसने दादरी में ये प्रकरण किया था, वो डेंगू से मरा, उसकी लाश पे तिरंगा किस मंत्री ने जाकर लपेटा था, उड़ाया था? आप क्या संदेश देना चाह रहे थे महेश शर्मा जी कि जिसने एक अखलाक खान को मारा, आप हत्यारे की लाश पर तिरंगा रख रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? उसके आप अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आप? बात संदेश की होती गुलाबचंद कटारिया राजस्थान, पहलू खान क्या बोले कि गलती दोनों तरफ से थी, जो मरा उसकी गलती क्या थी? उसके पास म्यूनिसिपल रिकॉर्ड था, उसके पास सारे दस्तावेज थे, वो डेयरी का काम करता था, फिर भी उसको मार दिया गया, और गृह मंत्री राजस्थान का कहता है गलती दोनों तरफ से थी, इधर भी एफआईआर दोनों तरफ है। आप एक तरफ कहते हैं अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, बाहर से पैसा आएगा, और घर में आप कानून व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इस घर में कौन पैसा लगाएगा? मैं तो कह रहा हूं अपने यहां के व्यापारी परेशान हो रहे हैं, ये स्थिति कर दी आपने। जी यू मैम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग। सर
Mr. Owaisi knows the same language which RSS understands, which BJP knows. We criticize this language, this dictum of violence. We have absolute faith in the Constitution of India, in the law of the land. If we have to fight, if anyone has to fight this government, it is from within the framework of the law of the land. Anybody who talks about crossing that line talks the language of crime, violence, which is absolutely unacceptable to us. Thank you.